जो रामायण लोगों ने सुनी है पढ़ी है देखी है एग्जैक्टली exactly वही रामायण है कुछ भी अलग नहीं हमने रामायण नहीं बनाई है हम रामायण से प्रेरित हैं मनोज भाई मान नहीं रहे हैं वो ये तो मान चुके हैं कि आदि पुरुष के डायलॉग्स कचरा हैं उनकी सही जगह डस्टबिन है मल्टीप्लेक्स नहीं और वो चेंज किए जाएंगे लेकिन फिर भी वो ये नहीं मान रहे हैं कि उनसे भारी मिस्टेक हो चुकी है एकदम हो गया मनोज मुंतशिर की गलती धार्मिक फिल्म में कचरा डायलॉग्स लिखना नहीं है अगर उनके वो कचरा डायलॉग्स नहीं होते तब भी वो फिल्म असाधारण थी रावण हेलमेट पहन के लोहा पीट रहा है जैसे पूरी सोसाइटी की ग्रिल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उसको ही मिला हुआ है अपनी आँखों के सामने सीता का हर होते हुए देख रहे हैं छटपटा रहे हैं ये बिल्कुल नाइन्टीज की किसी फिल्म का सीन लगता है जिसमें मिथुन की बहन को गुंडे उठा ले जाते हैं वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते हैं लक्ष्मण और हनुमान दौड़ाए जा रहे हैं घसीटे जा रहे हैं भला ये सब वो लोग कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं जिनके दिमाग में हजारों साल से पीढ़ी दर पीढ़ी राम लक्ष्मण हनुमान इन सब की महाबली की छवि ट्रांसफ़र की गई है तो अगर डायलॉग्स हटा भी दिए जाएं तो भी ये फिल्म किसी भी ऑडियंस के लिए नहीं है उस ऑडियंस के लिए तो बिल्कुल नहीं है जो एकदम नई नई अल्ट्रा धार्मिक बन गई है जिसको धार्मिक बेवकूफ़ बनाया गया है राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए जो 80 करोड़ लोग सरकारी पाँच किलो राशन के पैकेट पर जी रहे हैं उनके लिए तो फिल्म है ही नहीं वो देखने नहीं जाएंगे बिजनेस वाले नौकरी वाले वो उल्टे गरी रहे हैं वो लोग भी नहीं देखने जाएंगे और ये अपने बच्चों को भी देखने जाने नहीं देंगे क्योंकि इसमें जलेगी तेरे बाप की जैसे डायलॉग्स हैं लो आखिरी में फिर बात वही डायलॉग्स पर आ गई आज के ज़माने की एक कड़वी सच्चाई ये है कि इंटरनेट कुछ भूलता नहीं और कुछ भूलने भी नहीं देता मनोज मुंतशिर के बयानों का जो तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है वो इस बार यूपीएससी में आ सकता है दि विकास दिव्यकीर्ति सर को इसकी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए सिलेबस में डाल लेना चाहिए

पहले फिल्म के राइटर डायरेक्टर ओम राउत और डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर टीवी इंटरव्यूज़ में साथ बैठते थे साथ में डिफेंड करते थे अब डायरेक्टर ने सिर्फ राइटर को ही आगे कर दिया है कि जाओ तुम झेलो अब जब एंकर पूछता है कि आपकी फिल्म में जो संजीवनी बूटी वाला सीन है वो असल में जो रामायण हम लोगों ने पढ़ी है सुनी है देखी है उसमें तो सुषेण वैद्य बताते हैं उसके बारे में लेकिन आपकी फिल्म में तो विभीषण की बीवी बता रही है मैं वही फिर वही कह रहा हूँ बात करनी होगी सही है उनकी लेकिन उनकी सुने कौन पटकथा में अगर लिखा होता कि लक्ष्मण को संजीवनी मुन्ना भाई एम बी ने दी थी तब भी उनको उसके लिए डायलॉग लिखने पड़ते भाई नहीं इस कहानी से हमें एक और शिक्षा मिलती है मोरल ऑफ द स्टोरी कि उग्र और कटखने लोगों को एग्रेसिव लोगों को कभी भी अपनी ऑडियंस मत बनाओ ये किसी के सगे नहीं है मनोज भाई ने उल्टे सीधे ट्वीट्स करके आड़े टेढ़े वीडियो बना के जिनको अपनी ऑडियंस बनाया जिनके लिए प्यार मोहब्बत की दुनिया छोड़कर नफरत की दलदल में आप हंसे वो बेचारे अब नफरत में पागल हो चुके हैं मनोज के आलोचक तो अभी उनको शालीन भाषा में ही समझाएंगे देखिए हमारी भावनाएं आहत हुई हैं ये ऐसे नहीं होना चाहिए लेकिन उनकी जो ऑडियंस रही है वही उनको